बिसमिल्ल रन रहीम हमने एक लेक्चर में इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी को डिटेल में डिस्कस किया और फिर दो लेक्चर्स के अंदर हमने उसके एडवांटेजेस देखे अब दो लेक्चर्स के अंदर हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी या इन्फ्लेशन टारगेटिंग रजीम के डिसएडवांटेजेस देखेंगे यानी कि ये पॉलिसी आल दो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो जैसे एडवांटेजेस हैं ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हैं अब इन डिसएडवांटेजेस में जो सबसे पहला इशू आता है वो ये आता है डिलेड सिग्नलिंग आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि ये जो न्यूमेरिकल इन्फ्लेशन टारगेट है ये नॉमिनल एंकर के तौर पे यूज होता है अब अगर आपका नॉमिनल एंकर हो एक्सचेंज रेट अगर आपका नॉमिनल एंकर हो मनी सप्लाई तो उनकी वैल्यूज जो हैं वो आप जरा ज्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हैं यानी कि अगर सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को नॉमिनल एंकर यूज़ करता है तो उसकी वैल्यूज़ अवाम के सामने बड़ी जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कि वो कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है उसके मुकाबले में अगर आप इन्फ्लेशन को टारगेट रखते हैं और इन्फ्लेशन का टारगेट आपका नम, उसका जो न्यूमेरिकल टारगेट है वो आपका नॉमिनल एंकर है तो फिर उसका प्रॉब्लम ये आता है कि इन्फ्लेशन के ऊपर जो मॉनिटरी पॉलिसी का इफ़ेक्ट है वो तो ख़ुद टाइम लेता है आपको याद होगा मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के अंदर हमने एक इशू पढ़ा था पॉलिसी लैग्स यानी कि सबसे पहले आपका प्रॉब्लम ऑब्जर्व करने का एक लैग होता है पॉलिसी मेकर को ये पता चले कि प्रॉब्लम है यानी कि इन्फ्लेशन अपने टारगेट पे नहीं जा रहा इसको ऑब्जर्व करना पॉलिसी मेकर के लिए ज़रूरी है फिर जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है वो भी कुछ उसका टाइम तो होता है तकरीबन सिक्स वीक्स कह लें तो सिक्स वीक्स टाइम के बाद मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है आल दो उसे डिफरेंट टाइम पे आ, हो सकती है अगर कभी जरूरत हो लेकिन जनरली इतना गैप तो होता है फिर पॉलिसी का जो इफेक्ट है वो कुछ देर बाद आता है तो इन्फ्लेशन रेट के अंदर पॉलिसी का इफेक्ट तो मे बी एक साल बाद नजर आए तो अगर एक साल बाद नजर आएगा तो हमें एक साल बाद पता चल सकता है कि जो मॉनिटरी पॉलिसी का स्टैंड है वो क्या है तो इसको कहते हैं डिलेड सिग्नलिंग यानी कि अगर आपका नॉमिनल एंकर इंटरेस्ट रेट हो एक्सचेंज रेट हो मनी सप्लाई हो तो स्टैंड ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कि वो टाइट है या लूज ज्यादा जल्दी पता चल सकती है उसके मुकाबले में कि अगर आप इन्फ्लेशन के न्यूमेरिकल टारगेट को एज नॉमिनल एंकर यूज करें तो चूंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटेजी में इन्फ्लेशन का जो न्यूमेरिकल टारगेट होता है मीडियम टर्म वही नॉमिनल एंकर होता है तो इन प्रॉब्लम ये आएगा कि इन्फ्लेशन की अपनी वैल्यू लेट ऑब्जर्व होगी, यानी उसके अंदर पॉलिसी के इफेक्ट्स आने में देर लगती है तो जितनी देर से आपको इन्फ्लेशन के अंदर पॉलिसी की रिफ्लेक्शन नजर आएगी इतनी देर से ही आपको यह पता चलेगा कि पॉलिसी का स्टैंड टाइट है या लूज है कॉन्ट्रेक्शनरी है या एक्सपेंशनरी दूसरा डिसएडवांटेज जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम का या इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी का है वो है कि सेंट्रल बैंक के डिसीजन के अंदर एक रिजिडिटी आती है अब उस रिजिडिटी से मुराद ये है कि समटाइम्स इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी होती है जिसे हम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं वो इकोनॉमिक स्टेट डिजायर है उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी कि आपका किसी एक वक्त में आउटपुट गैप पे फोकस किया जाए या अनएंप्लायमेंट पे फोकस किया जाए या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस किया जाए या इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी पे फोकस किया जाए या इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जाए बजाय इसके कि उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप प्राइस स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करें ऐसे हालात हो सकते हैं कानून मसलन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाए तो हो सकता है सेंट्रल बैंक कर यह सोचें कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें प्राइस स्टेबिलिटी के बजाय अनएम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो चूंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम के अंदर सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आपने मीडियम टर्म इन्फ्लेशन का न्यूमेरिकल टारगेट अचीव करना है तो सेंट्रल बैंक फिर बाकी ऑब्जेक्टिव बेशक वो वक्त की जरूरत क्यों ना हो उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर सकते इस सेंस में हम कहते हैं कि ये रिजिड पॉलिसी ऑप्शन है इन्फ्लेशन टारगेटिंग अब इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा इस एक पहलू को इस एक इशू को जरा ज्यादा डीपली एनालाइज करें तो हमें पता चलता है आल दो यह बात ठीक है कि सेंट्रल बैंक के डिसीजन के अंदर एक रिजिडिटी आ जाती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग से लेकिन उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है जब हम थेरी से प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं मसलन अगर आप प्रैक्टिस में देखें तो इन्फ्लेशन का टारगेट अचीव करना है और वो भी मीडियम टर्म का लेकिन सेंट्रल बैंक जो है वो इंस्ट्रूमेंट को यानी कि उस इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए जो उसने अपने इंस्ट्रूमेंट का टारगेट सेट करना है उसमें तो सेंट्रल बैंक ऑटोनोमस है उसमें तो आजाद है तो अगर किसी वक्त ऐसा लगे कि इस वक्त हमें एक्सचेंज रेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी के बजाय तो उसका ये हो सकता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी को थोड़ी देर के लिए डिले करके और इन्फ्लेशन का टारगेट यानी कि मंथली बेसिस पे अचीव करने के बजाय मे बी क्वार्टरली बेसिस या सिक्स मंथली बेसिस पे अचीव करते हुए शॉर्ट टर्म में एक्सचेंज रेट पे फोकस कर सकता है जब इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसकी अटानोमी है जबकि दूसरी तरफ हम एक और भी सोच सकते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन का न्यूमेरिकल टारगेट है अगर हालात बिल्कुल ही ऐसे हो गए हैं कि मुल्क ये समझता है या पॉलिसी मेकर्स ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे हमें प्राइस स्टेबिलिटी से भी ज्यादा एक्सचेंज रेट या अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए किसी एक खास वक्त में किसी रीजन की किसी भी रीजन से तो ऐसा हो सकता है कि आप न्यूमेरिकल टारगेट ही चेंज कर ले तो अगर न्यूमेरिकल टारगेट चेंज हो सकता है तो फिर रिजिडिटी नहीं होगी और दूसरा सेंट्रल बैंक अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को उसकी वैल्यू सेट करने में आजाद है तो भी किसी हद तक सेंट्रल बैंक के डिसीजन इतने रिजिट नहीं रहते थैंक यू